बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूनिट नंबर 1, गैसेस एक्सचेंज, द फर्स्ट यूनिट ऑफ क्लास 10th। एज यू ऑल नो दैट के ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी। जैसे कि आप सबको पता है कि हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। इवन के वो एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं या प्लांट्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबको एनर्जी चाहिए फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ देयर लाइफ। तो जो मेन सोर्स है एनर्जी का, दैट इज़ द सन। सो वी से दैट सन इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैसे आती है और किस किस तरह से वो अपनी जो लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं वो परफॉर्म करते हैं, तो ये कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट जो प्रोसेस होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो उन प्रोसेस को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एक प्रोसेस है गैसेस एक्सचेंज, नेक्स्ट प्रोसेस है रिस्पायरेशन और थर्ड वन है ब्रीदिंग। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट द गैसियस एक्सचेंज। के गैसेस एक्सचेंज का मतलब कि दो तरह की गैसेस होती हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और एनवायरनमेंट के अंदर एक्सचेंज होती हैं। फर्स्ट वन इज़ द कार्बन ऑक्सीजन एंड द सेकेंड वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो ऑक्सीजन और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक्सचेंज होती है बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि देखें, जिस तरह हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग अपनी बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में लेके जाते हैं, और इस तरह प्लांट्स भी जो हैं वो ऑक्सीजन को इनटेक कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकाल लेते हैं। अब ये जो डिफरेंट गैसेस हैं ये क्या हो रही हैं, एक्सचेंज हो रही हैं। कोई इनटेक कर रहा है, कोई आउटटेक कर रहा है। अब ये इनटेक आउटटेक कहाँ हो रहा है, बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट। सो द प्रोसेस इन विच द O2 एंड CO2 इज एक्सचेंज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। डिफ्यूजन क्या है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू द लो कंसेंट्रेशन, कि जहाँ पे भी कोई भी ज़्यादा कंसेंट्रेशन में कोई भी चीज़ होगी वो हमेशा लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगी, तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, डिफ्यूजन बोलते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या आ जाता है, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या है कि जिसमें आप जो भी फूड इनटेक करते हो वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन। तो द प्रोसेस इन विच द ग्लूकोज मॉलिक्यूल और द फूड मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। क्या होगा कि कोई भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर फूड मॉलिक्यूल्स किस फॉर्म में होंगे, ग्लूकोज की फॉर्म में, वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में होगी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। ये ग्लूकोज था, आप अपने फूड इनटेक किया, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल और साथ साथ ऑक्सीजन कंबाइन हुए। ऑक्सीजन कहाँ से आया, आप लोग इनहेल करते हो अपनी एनवायरनमेंट से। अब इस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो आपका ग्लूकोज है, आपके फूड मॉलिक्यूल्स है, वो ब्रेक डाउन होंगे किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में। वो कार्बन डाइऑक्साइड जब आप एक्सहेल करोगे, आउटटेक कर लोगे अपनी बॉडी से, ठीक है, अब वो कौन ले लेगा, प्लांट्स। नेक्स्ट वन क्या है, वाटर। वाटर भी आपकी बॉडी के अंदर जो यूज़ होना है वो यूज़ हो जाएगा, एक्स्ट्रा जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और साथ साथ रेस्पिरेशन के रिजल्ट में क्या चीज़ रिलीज होगी, एनर्जी। किस फॉर्म में, ATP की फॉर्म में। तो एनर्जी हमेशा किस फॉर्म में होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, ATP की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो रेस्पिरेशन है ये दो तरह से होती है, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एरोबिक एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, के जब भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब फूड मॉलिक्यूल्स टूटेंगे उस रेस्पिरेशन को आप क्या बोलोगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। और ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें फूड मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, फूड मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होंगे बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो दो तरह से ये रेस्पिरेशन जो है वो होती हैं। जो प्रोसेस है वो क्या है, ब्रीदिंग का। आप सबको पता है कि ब्रीदिंग क्या है, सांस लेने का प्रोसेस। सांस लेने में आप क्या करते हो, गैसेस को इनहेल और एक्सहेल करते हो। तो जो भी आपकी एयर के अंदर गैसेस हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब आप ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करते हो, अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करते हो, और कार्बन डाइऑक्साइड को आप अपनी बॉडी से आउटटेक करते हो, एक्सहेल करते हो, तो उस मैकेनिज्म को, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, ब्रीदिंग, ठीक है। जो हायर एनिमल्स वगैरह होते हैं उनकी बॉडी के अंदर एक प्रॉपर ब्रीदिंग ऑर्गन होता है, और वो ऑर्गन कौन सा है, लंग्स,